ईशान किशन, रोहित शर्मा, डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल या फिर वार्नर और पृथ्वी शॉ। अब बेस्ट और शिखर धवन भी तो हैं। आईपीएल के ओपनर्स की मैं कर रहा हूँ बात, तो किस टीम के ओपनर्स द ओपनिंग पेयर भाई ऐसी सलामी जोड़ी हो जो सलाम ठोकने को मजबूर कर दे मेरे यार। चोपड़ा जी, ये क्रिकेट चौपाल के इस आईपीएल स्पेशल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और वैसे बाय द वे पीएसएल चल रही है, पड़ोस में हमारे कराची में लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। मैंने देखा एक वसीम भाई का इंटरव्यू, कोई वीडियो था देखा मैंने, तो वहां पे मतलब चल रही है उसकी। हम टीम बनाते हैं फैंटेसी क्रिकेट, हम जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत अच्छे से कवर करते हैं, तो डू चेक दैट आउट। और वैसे आज आपके कुछ सवाल भी आए हैं, उनका भी मैं जवाब दूंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। पर विदाउट फर्दर एडो, लेट्स गो थ्रू द टीम्स और थोड़ा सा रैंकिंग करने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसी कैसी टीम्स हैं, मतलब कैसे कैसे ओपनिंग पेयर्स हैं। मतलब एक बार जब सूची देख लेते हैं, दिल्ली के पास वार्नर और पृथ्वी शॉ हैं। अब तो शॉ रन बना रहे हैं वार्नर, आई मीन दैट्स अ पेयर, क्योंकि बेस्ट ऑफ उपलब्ध है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बेस्ट एंड शिखर धवन एंड नॉट प्रभ सिमरन सिंह एंड शिखर धवन, वो एक ऑप्शन हो सकती है। और राजस्थान की तरफ यशस्वी और बटलर के इधर उधर तो आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर आप लखनऊ की तरफ जाएंगे तो वहाँ शायद कुछ बदलाव हो, क्विंटन डीकॉक स्लैश काइल मायर्स के साथ हो सकता है देवदत्त पाडिकल हो और केएल राहुल नीचे खेलें। और थोड़ा सा और ईस्ट की तरफ चलते हैं, वहाँ जाएंगे तो आपको दिखेंगे और जेसन रॉय स्लैश रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ वेंकटेश अय्यर ओपन करते नजर आएंगे। वेस्ट ऑफ इंडिया में आएंगे तो ईशान किशन और रोहित शर्मा नजर आएंगे, उन्हीं के साथ में गुजरात है, गुजरात में शुभमन गिल के साथ रिधिमान सहा या फिर केन विलियमसन नजर आ जाएंगे। फिर हम चलते हैं बेंगलोर की तरफ, लास्ट ईयर का पेयर है वही है फाफ और कोहली, डेवन कॉनवे ऋतुराज गायकवाड। और हैदराबाद में वहाँ हो सकता है थोड़ी सी उठा पटक हो, क्योंकि ट्रैविस हेड के साथ किसी को ओपन शायद करनी पड़ सकती है, क्योंकि अभिषेक शर्मा भी हैं वहाँ पे, तो अपने मयंक अग्रवाल भी हैं और ट्रैविस हेड तो हैं। तो दिस इज समहाउ द ओपनिंग कॉम्बिनेशंस आर लुकिंग। ऊपर से शुरू करता हूँ, एक्चुअली नीचे जाने की बात छोड़ता हूँ, मेरे विचार में ओके पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान का जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है भाई, यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर का, ये गजब ओपनिंग कॉम्बिनेशन है। इट कुड एक्चुअली बी रैंक नंबर वन। अब नंबर वन मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो यशस्वी जायसवाल का जो करंट फॉर्म है, इसका मतलब है इनका 600 प्लस का ना आईपीएल सीजन इज ऑलमोस्ट लोडिंग द काइंड ऑफ फॉर्म दैट ही इज इन। क्योंकि जब आपने इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप एक टूर्नामेंट में आते हैं तो फिर अब आप अलग दर्जे की बैटिंग करते हैं, जो पिछले साल भी की थी टू बी ऑनेस्ट, पर इस साल और मेचोरिटी से करेंगे ऐसी मेरी उम्मीद है। और उनके साथ जॉस बटलर हु हैड अ वेरी ऑर्डिनरी सीजन लास्ट ईयर, पर उसके बाद से एस ए 20 अच्छा किया था। और कितने दिन तक आप बटलर को चुप रखोगे, आई मीन खामोश नहीं रख सकते बियॉन्ड अ पॉइंट। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एट नंबर वन, थोड़ा सा सीधा ही आउट ऑफ द बॉक्स शुरू कर रहा हूं मैं, नंबर वन पे राजस्थान रॉयल्स के दो धमाकेदार ओपनर, एक लेफ्ट एक राइट, यशस्वी एंड जॉस बटलर, मैं कह रहा हूं भाई ये नंबर वन ओपनिंग पेयर हो सकता है। नंबर दो पे मैं जा रहा हूं कंसिस्टेंसी की तरफ, और कंसिस्टेंसी किससे आपको ज्यादा मिल सकती है, मे बी इट्स चेन्नई, चेन्नई के पास, क्योंकि कौन है वहां पे, डेवन कॉनवे ऋतुराज गायकवाड़ है। हालांकि डेवन कॉनवे का रीसेंट फॉर्म हैजंट बीन ग्रेट, जैसे चेन्नई पहुंचता है कुछ हो जाता है भाई को, स्पिन बड़ी अच्छी खेलता है। ऋतुराज गायकवाड़ भी बिल्कुल अब तो ही मस्ट ऑल्सो बी इचिंग, क्योंकि उस आईपीएल जो पिछले आईपीएल से अब तो कोई ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं, तो इट कुड बी द मोस्ट कंसिस्टेंट काइंड ऑफ पेयर, वैसी आप उम्मीद रखते हैं। बहुत विस्फोटक शायद ना हो, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, पर कंसिस्टेंसी में आप रख सकते हैं इनको ऊपर की तरफ, क्योंकि दे आर दैट काइंड ऑफ अ टीम। और पिच जो है वो आजकल चेन्नई की बहुत सपाट होने लगी है, सो फ्रॉम राजस्थान आई गॉन टू चेन्नई। अब मेरा जाने का मन कर रहा है कि मैं चलूँ जरा मुंबई की तरफ। अब मुंबई क्यों, देखिए एक तो रोहित शर्मा को कप्तानी की ड्यूटी से आपने रिलीज कर दिया है, तो आई मीन बहुत सारे खिलाड़ियों की हम बात करते हैं, और खास तौर से हम रोहित शर्मा जैसे अव्वल दर्जे के खिलाड़ी की बात करते हैं, तो कहते हैं 600 का सीजन तो होगा ही, पर इनका 600 का कभी सीजन नहीं लगा है। दिस कुड बी दैट सीजन, क्योंकि ऑब्वियसली देर इज नथिंग टू प्रूव पर से, बट देन देर इज अ लॉट टू प्रूव ना, कि कप्तान नहीं है तो फिर तोड़ेंगे भाई, ऐसा लग रहा मुझे। पर साथ में ईशान किशन को लगी होगी भूख कि रन बनाने हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है, दिस इज द ओनली थिंग एज ही इज प्लेइंग, मतलब बाकी खेली क्या रहे हैं, क्योंकि बाकी या तो उन्होंने खुद खेलने से मना कर दिया है या फिर अब चयन नहीं होगा, तो फिर दिस इज हिज चांस। अगर आप यहाँ रन बनाएंगे, आईपीएल को अपना बनाएंगे, तो फिर आगे जाने के चांसेस हैं। देन ऑफ कोर्स देयर इज वानखेड़े की सपाट पिच, वो भी इनके बहुत काम आएगी, वो बैट पे बॉल अच्छे से आएगी, दूर तक जाएगी। तो ईशान किशन रोहित शर्मा कुड बी दैट थर्ड काइंड ऑफ पेयर जो जो बहुत अच्छा करे, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। उसके बाद
सी मन मेरा जरूर था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. इनफैक्ट अब बाकी सारे ना ऑलमोस्ट बराबरी पे आ गए हैं, इसके बाद देर इज नो किसी का आउटराइट एडवांटेज नहीं है. आई गो वन बाय वन नाउ. लेट्स टॉक अबाउट लास्ट ईयर का जो बहुत ही सक्सेसफुल प्लेयर था, वो था आरसीबी का फाफ डू प्लेसी और विराट कोहली. दे मे स्टिल बी वेरी वेरी गुड. द ओनली कैवियट जो उनको मैंने टॉप तीन में ऐसे नहीं रखा था, वो सिर्फ एक वजह से नहीं रखा कि भाई फाफ नहीं खेल रहे हैं यार. फाफ बहुत कम क्रिकेट खेले हैं पिछली आईपीएल से अब तक, और ऐसे ट्वेंटी के एक मैच को छोड़ दिया जाए तो प्रदर्शन बहुत साधारण रहा था. तो ऐसे में अगर फाफ डजंट हिट द ग्राउंड रनिंग, और विराट भी अब मतलब आखिरी अफगानिस्तान के साथ मैच खेले थे उसके बाद तब तक मैच ही नहीं खेले हैं, तो अगर ही ऑल्सो डजंट हिट द ग्राउंड रनिंग तो फिर सडनली प्रॉब्लम हो सकती है. मुझे तो वहाँ शायद हो सकता है कि ओपनिंग में बदलाव भी दिख जाए कि विल जैक्स बाहर बैठे, आप उनको खिलाने का मन करे आपका, कैमरन ग्रीन से आप ओपन करा दे, तो यू डोंट नो. तो इस वजह से मुझे लगता है कि इट माइट नॉट बी द सेम काइंड ऑफ सीजन, पर हाफ है यार, यू रूल हिम आउट एट योर ओन पेरिल. और चीकू को तो सब जानते हैं, कोहली इज कोहली. उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि उसके बाद आई मीन देर इज अनदर कंसिस्टेंट काइंड ऑफ ओपनिंग पेयर जो हो सकता है, दैट इज बेस्ट और शिखर धवन की जोड़ी. क्योंकि बेस्ट और शिखर धवन क्या करते हैं, देखिए दोनों ही सीजनड प्लेयर्स हैं, वरना शिखर धवन से आप उम्मीद लगा के चलते हैं 400 450 रन वाला सीजन तो बनाएगा लड़का. और क्योंकि क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आई मीन दिस इज ऑल दैट इज डूइंग, दिस इज ऑल दैट इज गोइंग टू प्ले. वहीं से साथ में दिल्ली है. अब पृथ्वी शॉ का फॉर्म बड़ा अच्छा है. पृथ्वी शॉ भी मुझे लगता है थोड़े जले फूके बैठे होंगे कि यार कुछ खेलने को नहीं मिल रहा है, कहीं नाम नहीं आ रहा है, कोई इंजरी की चर्चा होती है, कोई एटीट्यूड की बात करता है. पर अब तो खेल रहे हैं, अब खेल रहे हैं तो आप उम्मीद करते हो कि भैया यहाँ पर भी ओपन करेंगे. डेविड वॉर्नर पिछले साल खेले तो ज़रूर थे, पर इस बार कप्तान नहीं होंगे. पिछली बार बहुत धीमा खेले थे शुरुआत में, अब उम्मीद है क्योंकि कप्तान नहीं है, ऋषभ आ गए हैं, देर इज सिक्योरिटी ऑफ ऋषभ डाउन द ऑर्डर, तो ही कुड कम टू हिज ओन. क्योंकि उनका भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तो टाटा बाय बाय ऑलमोस्ट हो ही गया ना. सो इन दैट रिस्पेक्ट आप ये कह सकते हैं कि डेविड वॉर्नर एंड पृथ्वी शॉ स्लैश मिचेल मार्श, मे बी दे स्टार्ट विद मिचेल मार्श, वी रियली डोंट नो. क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली वाले कुछ भी कर सकते हैं, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी. लखनऊ की तरफ अगर मैं जाता हूँ, मैं आई वुड हैव सेड कि बड़ा स्टेबल ओपनिंग पेयर है पहले, अगर केएल राहुल ओपन कर रहे होते तो, क्योंकि 500 रन वहां से आप उम्मीद जरूर करते हैं. पर क्योंकि वो नहीं करेंगे ओपन, तो वी रियली डोंट नो. क्विंटन डीकॉक स्लैश काइल मायर्स, क्योंकि मायर्स को खिलाने में उनका इंटरेस्ट बहुत था पिछली बार, तो अगर क्विंटन डीकॉक नहीं करते, मायर्स करते हैं फॉर एग्जांपल, तो मायर्स इज हिट एंड मिस, मतलब या तो 70 या फिर 0. और साथ में होंगे डीडीपी देवदत्त पाटीकर, जो कि एक नया खिलाड़ी है एट दिस स्लॉट आफ्टर अ वाइल. आरसीबी के लिए बहुत अच्छा किया था, फिर उसके बाद वहां जगह ही नहीं मिली, नाउ अगेन बैक एज एन ओपनर एंड ग्रेट फॉर्म. तो उनका भी पता नहीं किस तरीके की वो मतलब ऊंट किस करवट बैठेगा, वी रियली डोंट नो. देन ऑफकोर्स मन तो मेरा था कि मैं जाऊं हैदराबाद की तरफ भी, पर चलता हूं कोलकाता की तरफ, क्योंकि केकेआर क्या है, तैयार गुरबाज के साथ अय्यर हो सकते हैं या फिर जेसन रॉय के साथ अय्यर हो सकते हैं. दोनों के पास काबिलियत तो है, देखिए इट्स ए वेरी डिसेंट पेयर. कैन दिस बी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट, आई कांट से, क्योंकि अटैकिंग ऑप्शंस हैं दोनों की. और क्या बहुत ज़्यादा विस्फोटक भी, सबसे विस्फोटक हो सकता है, आई मीन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, टाइप ऑफ ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, वी डोंट नो कि कोलकाता पिचेस कैसी बनाएगा. पर वो और देन हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में क्या है कि ना, यू विल फाइंड अ प्रॉब्लम कि किसको कराएं. अभिषेक शर्मा अच्छा खेले थे पिछली बार, अब पता नहीं कराओगे नहीं कराओगे. मयंक अग्रवाल जाते जाते अच्छा खेल गए थे, पता नहीं अब कराओगे नहीं कराओगे. उनके साथ अब ट्रैविस हेड उपलब्ध हो गए हैं, क्योंकि पैट कमिंस शायद कप्तान होंगे, तो शायद वो ओपन कर लें, आई मीन वी डोंट नो. तो जहाँ पे तो नहीं पता है कि कौन तीन ओपनर्स हैं, दो ओपनर्स होंगे, किन तीन में से दो पिक करने वाले हैं, वी हैव नो आइडिया व्हाटसो एवर. तो उस तरफ आई एम नॉट, अभी मैं दांव नहीं लगा रहा हूँ कि ये बहुत ही कन्फर्म्ड अच्छे ओपनिंग पोजिशन हैं, पर अदर देन दैट दिस द काइंड ऑफ थिंग दैट आई एम थिंकिंग. आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी टीम है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ देयर ओपनिंग कॉम्बिनेशन? एक और एक दो नहीं, एक और एक ग्यारह, बताओ. अब आप लोग बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि सबसे बेहतरीन ओपनिंग पेयर किस टीम का है इस साल. अब जरा कुछ आपके सवाल मैंने कहा था जवाब दूंगा. एक ये डीजे सर्वेश जी का है, कल आपने कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन ही पूछ सकते हो, क्योंकि ये कल के क्वेश्चंस हैं जो कल धोनी वाला जो पीस था, लोगों को अच्छा ही बहुत लगा, थैंक यू. तो वहां से कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछे. मर्फी एंड कूनेमन, हार्टली एंड बशीर, इंडियन बैटर्स कंटिन्यू टू स्ट्रगल अगेंस्ट न्यू स्पिनर्स. प्रॉब्लम तो है यार, हमें पता नहीं क्यों करते हैं हम ऐसा, जैसे हम वो नए स्पिनर्स आते हैं हम फंस जाते हैं. हम अच्छे अच्छे खेल जाते हैं, हमने मुरलीधरन और शेन वॉन को विकेट ना दी, लेकिन हम जो नए स्पिनर्स आते हैं उनके सामने हम घुटने टेक देते हैं. इसकी प्रमुख वजह ये है, पिछली वाली दौरे पर प्रमुख वजह ये थी कि पिचेस हम बहुत खराब बना रहे थे, इस वाले दौरे पर प्रमुख वजह ये है कि हमारी बैटिंग में बहुत कम एक्सपीरियंस है.
तो खराब पिचेस पे तो खैर कोई भी विकेट लेगा, फिर तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सीधी बॉल फैक्ट टर्न हो जाएगी एंड दैट्स ऑल यू नीड ऑन दीज पिचेस। पिचेस अच्छी हैं पर बैटिंग उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से हार्टली एंड बशीर। ये आखिरी क्वेश्चन, एक्चुअली दो क्वेश्चन लेता हूँ आज, ये अच्छा है एक्चुअली। ये प्लेयर्स हु विल प्ले ऑल फॉर्मेट्स हैव टू गेट डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेयर्स हु प्ले वन और टू पर फॉर्मेट दे हैव टू गेट अ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अ गुड सजेशन है, पर इसके अंदर आपको एक बात बताता हूँ। देखिए अभी क्या है, अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जो साल है जो सितंबर से शुरू होता है, अक्टूबर 1st से सितंबर 30th तक, इसमें तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी आपने सारे नाम उस तरह प्रकार से आपने रखे हुए हैं। हालांकि अगर रविचंद्रन अश्विन को हमने एक ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट दिया जो सिर्फ टेस्ट खेलते हैं, हमने हार्दिक पांड्या को भी एक ग्रेड का दिया जो कि टेस्ट नहीं खेलते हैं, फिर कुलदीप थोड़ा सा नीचे हैं, पर आई मीन यू गेट द ड्रिफ्ट राइट, अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। पर कम द नेक्स्ट साइकिल देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये T20 का वर्ल्ड कप हो और फिर रोहित और कोहली दोनों कहते बस हो गया भाई हमारा, हम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे क्योंकि अब बचा नहीं ना, वनडे का वर्ल्ड कप बहुत दूर है, T20 का बहुत दूर है, क्या ही खेलना है हमने। तो फिर क्या आप यही बात बोलेंगे कि क्योंकि कोहली और रोहित अब सिर्फ टेस्ट खेलते हैं इनको A+ मत दो भाई, और इनको AB मत दो, अब आप इनको एक अलग कॉन्ट्रैक्ट दो क्योंकि ये सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेलते हैं। जो तीन फॉर्मेट वाला प्लेयर है जैसे मोहम्मद सिराज हो गए या फिर शुभमन गिल हो गए या फिर यशस्वी जायसवाल हो गए, आप इनको A+ दो, विल दैट सेट राइट? नहीं ना, तो जो दे रहा होता है ना कॉन्ट्रैक्ट उसका काम बड़ा मुश्किल होता है, इट्स नॉट दैट सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो फिर आई थिंक सीनियोरिटी यहाँ मैटर करती है, सालों तक जो आपने देश की सेवा की है ना, खेल की सेवा की है, वो मैटर करती है। समटाइम्स यू जस्ट हैंड आउट दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑनरिंग देयर सर्विसेज, होता है ऐसा। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाइएगा, और द मैन द मिथ द लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी, दिस इज व्हाट वी डिड यस्टरडे, प्लीज डू चेक इट आउट, और बताइएगा जरूर कि इस IPL में, IPL 2024 में तो बेस्ट ओपनिंग पेयर या आपको किस टीम का लग रहा है, और डू यू अग्री विद माई असेसमेंट, या कुछ गड़बड़ होगी बताओ।